हेलो फ्रेंड्स, विंटर्स आ गए हैं और उसी हिसाब से सब्जी मंडी में सब्जियां भी बदल गई हैं। अब लौकी तुरई की जगह गाजर और शलजम ने ले ली है। सो, आज मैं मंडी गई थी तो मैं भी गाजर ले आई, बहुत फ्रेश मिल रही थी और मैंने उसको देखिए धो के और पील कर लिया है और उसके किनारे भी काट दिए हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर वो कर लूँगी, ग्रेट कर लूँगी, चाहे हाथ से चाहे मिक्सी से, जो आपके पास हो उससे कर लीजिए। और उसका आज बहुत बढ़िया वाला गाजर का हलवा बनेगा। सो, ट्राई करते हैं। देखिए, मैंने कद्दूकस कर ली हैं गाजरें, और आप चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए और चाहे अगर आपके पास मिक्सी है तो ग्रेट भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है, दोनों ही तरह से ठीक है। अब ये दो तरह से बनती हैं, एक तो ट्रेडिशनल जो कि हम लोगों के घरों में हमेशा से बनती है, बचपन से बनती चली आई है, और एक जो हलवाई बनाते हैं। एक्चुअली मुझे हलवाई की रेसिपी उतनी पसंद नहीं आती है, मुझे ट्रेडिशनल अच्छी लगती है जो मैंने अपनी माँ से सीखी भी है, तो मैं वही रेसिपी आपसे शेयर करूंगी जो ट्रेडिशनल है। उसमें मैं ये 1.5 किलो के करीब गाजर है, मैं उसमें 1 किलो दूध मिलाऊंगी, 200 ग्राम के करीब शक्कर मिलाऊंगी। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप 200 से ज़्यादा डालना चाहती हैं तो 250-300 ग्राम भी डाल सकती हैं, बट क्योंकि गाजर ख़ुद भी मीठी होती है इसलिए मैं तो 200 ग्राम मिलाऊंगी। और तकरीबन 100 ग्राम देसी घी डालूंगी। अब मैं इसको चूल्हे पर रखूंगी तो आपको दिखा। देखिए, ये मैंने भगोना रख दिया है मीडियम गैस पे, और अब मैंने इसके अंदर ये 4-5 इलायचियाँ क्रश कर ली हैं, और ये केसर के दाने, ये केसर के धागे ऐसे लेके इसमें डाल दिए हैं। केसर इसलिए डालते हैं कि विंटर्स की ये प्रिपरेशन है तो केसर फ़ायदा करता है। और अब मैं इसमें ये घिसी हुई कद्दूकस करी हुई गाजर डाल दूँगी, ये 1.5 किलो गाजर है, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब मैं इसके अंदर ये 1 लीटर दूध डाल दूंगी। अब ये दूध के साथ गाजरें पकेंगी तो गल भी जाएंगी और दूध का खोया भी बन जाएगा। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी बना सकती हैं, बट मैं तो भगोने में बनाती हूँ। और इसको ढक दूँगी अब थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और दूध खोया भी बन जाए। देखिए, खूब अच्छे से मेरी ये गाजरें पक गई हैं और दूध भी काफ़ी सूख गया है, लेकिन अभी तकरीबन 15 मिनट और बनाऊँगी मैं ताकि जो है दूध काफ़ी सूख जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें बघार करूंगी और चीनी मिक्स करूंगी। सब दूध का खोया बन जाएगा और गाजर भी बिल्कुल गल जाएगी। देखिए, अभी इसका दूध जो है बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इस बात इसके अंदर घी का बघार करूंगी। ये देखिए ऐसे, ये एक फ्राइंग पैन मैंने इसमें रख दिया है और तकरीबन 1 कटोरी मैं देसी घी इसमें डालूंगी। देसी घी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं, लेकिन देसी घी से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़े से बादाम हैं और काजू हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आपके पास नारियल है तो नारियल भी डाल सकती हैं और किशमिश भी डाल सकती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं उनको इसमें थोड़ा सा तल लीजिएगा। जब घी में कोई चीज़ तल जाती है तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, दोनों ही बातें हैं। हल्की गैस पे इसको फ्राई करिएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जलने लगते हैं। जब ये हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे अच्छे से हो गई है, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे से हो गए। बस इसी हाल में अब मैं इसको गाजरों में मिला दूँगी। इसका समझ लीजिए ड्राई फ्रूट्स का ही बघार करूँगी।
ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का और घी का मैंने इसमें बघार कर दिया। देखिए ये अच्छे से अब पानी सूख गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी शक्कर डाल दूंगी, तकरीबन ये 200 ग्राम शक्कर है। ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा डालना चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। मैंने 1.5 किलो में 200 ग्राम डाली है। अब ये शक्कर भी गर्म होकर अपना पानी छोड़ेगी, जब इसका भी पानी सूख जाएगा तब हमारा हलवा पूरा कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा हलवा अब अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ये करूँगी कि मेरे पास फ्रेश क्रीम रखी है एक कटोरी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। दूध तो पड़ गया है काफ़ी, लेकिन इससे क्या होता है ज़रा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, मलाई की वजह से रिचनेस आ जाती है हलवे में। तो ये जब भून जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। अगर है आपके पास फ्रेश क्रीम तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दूध का उसमें खोया बन चुका है। मेरे पास थी तो मैंने डाल दी है। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है बिल्कुल, और मैंने उसकी गार्निशिंग पिस्ते से करी है। आपके पास पिस्ते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो चांदी के वर्क से कर दीजिए, सब ऑप्शनल है। और बहुत ही टेस्टी बना है, बिलीव मी बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और इसकी रेसिपी को शेयर करिएगा। विंटर्स का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये किसी को भी देने के लिए। और हलवे तो बहुत तरह के बनते हैं, लौकी का और सूजी का और चने की दाल का, बट गाजर का हलवा इज़ द बेस्ट। सो थैंक यू।